आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपना वायरलेस कीबोर्ड अपने कंप्यूटर या लैपटॉप से कैसे कनेक्ट कर सकते हो, चाहे उसमें कोई सी भी विंडो हो। तो आइए जानते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे पास वायरलेस माउस है और यह है डेल कंपनी का। आपके पास कोई सी भी कंपनी का हो, सब में सेम ही ऑप्शन रहता है। सबसे पहले आपको अपना जो वायरलेस कीबोर्ड है उसे लेना है, उसमें बैटरी लगानी है। उसमें ट्रिपल ए बैटरी लगेगी, यानी पतली वाली, जिसे पेंसिल वाले सेल भी कहा जाता है। तो लगा देनी है। एक मेरा यहाँ पे है और एक अंदर की साइड चला गया है। दो बैटरी लगती है, ज़्यादातर कीबोर्ड में दो ही बैटरी लगती है। तो बैटरी लगा दीजिए। लगाने के बाद मैं बैटरी लगा देता हूँ इसमें और इस ढक्कन को बंद कर देता हूँ। इसके बाद आपको इसे रखना है अपने टेबल पे। उसके साथ आपको एक रिसीवर मिला होगा कुछ इस तरीके का। आपको इसे अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के यूएसबी पोर्ट में लगाना है और सिंपली अपना जो कंप्यूटर या लैपटॉप है उसे रिस्टार्ट कर देना है। इसके बाद आपका जो कीबोर्ड है आप कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाएगा डायरेक्टली। और अगर मैं यहाँ प्रेस करूँगा एच, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टाइप हो रहा है। मैं कीबोर्ड से दबाता हूँ एच, फिर आगे करता हूँ तो इसमें जो की ये वर्ड है टाइप हो रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक जरूर करें।